हेलो मिष्टी, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो आज? क्या है मिष्टी का एग्जाम? काय का एग्जाम है मिष्टी का? और तो मिष्टी रेडी है? मिष्टी कुछ बोलना है सबको सुबह सुबह? और बस गुड मॉर्निंग। अच्छा ऐसा? चलो मिष्टी की सूलेस लगा ले। सूलेस नहीं होती, वो बेल्ट होती है। वो अच्छा बेल्ट होती है। चलो ठीक है बेटा, ये सुबह सुबह मिष्टी का काम करना। मेरे से लगते नहीं है इसलिए। और जब मेरा व्हाइट शूज रहते हैं ना, उसमें लगाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप ही वो हो जाते हैं। अच्छा ऐसा? ओके मम्मी। ना अच्छे से पेपर करना और स्पेलिंग का ध्यान रखना। थैंक यू। स्कूल के ग्रुप में ही मैसेज आ गया, बेस्ट ऑफ लक। तो मिष्टी ने अपना न्यू बैग ले लिया है। न्यू बैग नहीं, राधिका दीदी का पुराना बैग है। हाँ तो एग्जाम बैग है वो, है ना मिष्टू? हाँ एक्चुअली मैं जो ट्रैवल में बैग लेकर गई थी बहुत बड़ा सा, लेकिन उसके अंदर एग्जाम पैड नहीं आ रहा था, मैंने कहा कॉपीज भी नहीं बनेंगी फिर, तो मैंने फिर ये वाला बैग निकाला। बड़ी मुश्किल से, मतलब सारे मुंह पर मेरे पर्स गिर जाते। तो मिष्टी के लिए सभी लोग प्रेयर करना ना। मिष्टी बोलो कि मिष्टी का पेपर अच्छा जाए। चलो मिष्टी का ऑटो भी आ गया है, आ जाओ, आओ जल्दी फटाफट। मिष्टी बाय। आज और बच्चों का नहीं है पेपर? पेपर है नहीं, अब नहीं जा रहे, अपन क्या करना, अपन से जाना चाहिए। मिष्टू बाय, बिठा लो उसको। मिष्टी बाय। तो दोस्तों अभी हम आ गए थे भाभी के घर पे, और ये हो रहा है पूरा जो आप चल रहा है देख लीजिए, ये सुहागलों के लिए हो रहा है ये सारा। और मुझे ऐसा टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि जितना भी सब लोग आए थे सुहागलों में खाना, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी शुरू होती है ना, तो सबसे पहला फंक्शन ये ही होता है सुहागलों का। तो इसमें इस तरीके से टीका लगाया जाता है, सामने से देखिए पूरा सजाया जाएगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही लग रहा था, क्योंकि हाँ पहले लगा हुआ है, ऐसे ही लगता है, ये यूपी साइड ज़्यादा लगता है। तो ये भाभी जो है हमारी जो लगा रही हैं, ये यूपी साइड की हैं, और ये इस तरीके से टीका लगा रही हैं पूरा। मतलब हल्दी का पहले इन्होंने एक लेप लगाया था, फिर उसके ऊपर जो टिपकी लगाई है छोटी छोटी वो लगाई हैं उससे, फिर ये मांग में लगाया है, क्या बोलते हैं, रोली बोलते हैं हमारे यहाँ, इसी प्रकार ये चूड़ियों में लगाया जाता है, और सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर इसके बाद देखो ये हमारे यहाँ ऐसा टीका लगाते हैं सुहागलों में, और कितना डेकोरेट किया गया, अच्छा लग रहा है लेकिन। तो अभी देखो ये महावर लगाया जा रहा है, और भाभी जो है वो हल्दी ला रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भाभियाँ होती हैं वो अपनी ननंद को पैरों में हल्दी लगाती हैं सबसे पहले। तो ये हमारी भाभी भी आके बैठ गई, ये मेरी रियल भाभी हैं जो साइड में आके बैठी हैं, इनका नाम निशा भाभी है, इन्हीं की बेटी की शादी है, मतलब मेरे भाई की बेटी की। और ये जो भाभी हमको लगा रही हैं ये इनकी भाभी हैं, मतलब मेरी भाभी की भाभी हैं वो। तो रिश्तेदार तो बहुत हैं दोस्तों, और ये बहुत अच्छा, मतलब एक इतनी अच्छा फीलिंग आ रहा था जब ये हल्दी लग रही थी। और इसके बाद ये जो हमारे यहाँ नाई रहती है ना, आप लोग क्या पता क्या बोलते हैं, हम लोग खवासन बोलते हैं, वो सबको माहवर लगाती है। तो ये देखो ये माहौल लगा रही हैं, और मैं सच बोलूँ तो मैंने करीब डेढ़ एक साल बाद ये माहौल लगवाया था, एक डेढ़ साल बाद, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मन को सुकून मिल रहा था दोस्तों। और इतना अच्छा कि यार, एक जो कहते हैं ना सुहागन की जो एक निशानी होती है, सच में कभी किसी को, जैसे मैंने जो गलती की है ना, मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगी कि इन चीज़ों का
अपमान नहीं करना, भले ही हस्बैंड कैसा भी हो, लेकिन ये एक सम्मान वाली बात होती है एक सुहागन औरत के लिए, और इस सम्मान को कभी मत जाने देना इसको हमेशा ही, क्योंकि कभी कभी क्या है, गुस्से में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिनका अपन को ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। और मैंने, मेरे से जो हुआ उसकी सजा भी मैंने खैर भुगती है, लेकिन अभी बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये देखिए आप कितना अच्छा, ये मेरी भाभियाँ भी सब खुश हैं मेरे लिए, सभी ने कल मतलब जब ये हुआ सब ने यही बोला कि नहीं यार इन चीज़ों का महत्व शायद मंजू तुम भूल गई थी और तुमने गुस्से में ये चीज़ त्यागी थी, लेकिन अब तुम्हें सब चीज़ समझ आ रही है तो हम लोग सब खुश हैं। कल बाकी सब बहुत 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 खुश थे मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था दोस्तों, बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि यार ये चीज़ें दुर्लभ हैं, है ना, सबके भाग में नहीं होती, और जिसके भाग में होना तो उसको उस चीज़ की कदर करना चाहिए। मैं बस इतना ही बोलूँगी कितना ही, क्योंकि जो गलती मेरे से हुई है ना वो मैं नहीं चाहती कभी कोई से, जो रियलाइज़ मैंने किया है वो गलती आप लोग नहीं करना, भले ही कितने डिस्प्यूट्स हों हस्बैंड वाइफ के बीच में, कितना ही कुछ चीट हुआ हो, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन ये चीज़ कभी लाइफ में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक सम्मान वाली बात होती है एक औरत के लिए। तो ये देखिए आलता, हम लोग महावर बोलते हैं, शायद आप लोग आलता बोलते हो, तो ये आलता लग चुका है और बहुत अच्छे से, ये कितने अच्छे से मेरे पैरों को सजा रही थी तो मैं वही ध्यान से देख रही थी कि ये, आज मैंने पायल नहीं पहन पाई थी दोस्तों, तो मैं एक पैर में खैर काला धागा तो पहनती हूँ तो वो मैं पहने हुई थी, लेकिन मैं पायल पहनना भूल गई थी, तो मुझे सबने टोका भी था कि तुमने पायल क्यों नहीं डाली है, जल्दी जल्दी में मैं पायल पहनना भूल गई। तो ये देखिए पैर भी कितने प्यारे, आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरे पैर जरूर बताना कमेंट करके, इतना सजा के जो रखा हुआ है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सच में दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये सुहागलों की पूजा चालू हो चुकी है और यहाँ भाभी वगैरह सब, देखो हमारी बहुत सारी भाभियाँ हैं क्योंकि खानदान बहुत बड़ा है, और यहाँ पर फिर ये भोजन परोसा गया है, और भोजन भी जब तक नहीं खाते जब तक पूरी पूजा नहीं हो जाएगी, तो ये सब चालू है कार्यक्रम। और सबसे पहले बिना नमक का हम लोग को खाने को मिलता है सिर्फ एक हलवा और पूड़ी, पहले वो फिनिश करना होता है, इसके बाद ही आगे कुछ खाना मिलता है, और जब तक फास्ट भी रखना होता है दोस्तों, है ना, तो जब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते, तो हम लोग को 2-3 बज गए थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था किसी ने, और जितनी भी पागल लेडीज को बुलाया गया था, लंबी चैन हो रही थी, तेरी यार रे ग्रंथ जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100-100 सिंहों से है बलशाली है तस्बू जाओ वाली। बस से फिर भोजन चालू हो गया है और हम लोगों ने अच्छे से फिर भोजन किया, आरती होने के बाद सभी लोगों ने थालियां पहले से ही लगी थी, लेकिन खाना आरती होने के बाद हम सब ने स्टार्ट किया। इसके बाद देखो मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि भोजन करने के बाद पूरा सुहाग लेना होता है, जो सुहाग क्योंकि वो एक प्रसाद रहता है जो पहले प्रसाद ग्रहण करना होता है, और इसके बाद पूरा जो सुहागल माता रहती हैं उनको सुहाग चढ़ाते हैं पहले, लाइक रोली है और सिंदूर वगैरह है, सारी चीज़ें उनको चढ़ाएंगे, और फिर अपना जो पल्ला रहता है साड़ी का, उस पल्ले से 7 बार अपनी मांग में सिंदूर उनका लेके, मतलब ऐसे टच करके माथे पर और मांग में भरते हैं, तो ये पूरा 7 बार ये प्रक्रिया करनी होती है दोस्तों। और सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी, सही बताऊँ बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार सुहागलों में बैठी हूँ, और मैं बहुत मतलब पहले भी हमेशा हमारे यहाँ तो कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, लेकिन बीच में जो 1-1.5 साल का जो गैप हुआ तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, उस टाइम तो गुस्सा भरी हुई थी सच में दोस्तों, तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा। तो चलिए दोस्तों